इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक रिफर्बिश आईफोन एक्स को कैसे खरीद सकते हैं जो कि एप्पल का एक पुराना स्मार्टफोन है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं आप कैशिफाई का यूज़ करके एक रिफर्बिश आईफोन एक्स को अपने घर पर मंगा सकते हैं जिसके अंदर आपको 6 महीने की कैशिफाई की तरफ से वारंटी देखने को मिलती है और पेमेंट करने के लिए सारे ऑप्शन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ईएमआई पर खरीदना है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई दोनों पर ही आप उसको खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी एक रिफर्बिश आईफोन एक्स को कैशिफाई से खरीदना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कैशिफाई की एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ऊपर की तरफ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, सेल बाय और रिपेयर बाय वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो है आपको आईफोन देखने को मिल जाएंगे। तो और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको आईफोन ब्रांड ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सारे आईफोन जो भी रिफर्बिश आईफोन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आईफोन एक्स को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें देखने को मिल जाएगा 17,099 रुपये का आईफोन एक्स रिफर्बिश। तो ये पुराना आईफोन एक्स होगा। तो उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, कंडीशन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए जहाँ से आपको जो है कंडीशन इसकी सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फेयर, गुड और सुपर्ब। फेयर कंडीशन यानी कि ठीक ठाक कंडीशन है, गुड कंडीशन यानी कि एक अच्छे कंडीशन का फ़ोन है, और सुपर्ब कंडीशन एकदम नए जैसे कंडीशन का यहाँ पर आपको फ़ोन देखने को मिलता है। तो कोई सी भी कंडीशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैं एक गुड कंडीशन का या सुपर्ब कंडीशन का स्मार्टफोन या आईफोन एक्स लेना चाहता हूँ, उसके बाद वेरियंट में मैं सिलेक्ट कर लूँगा 3 GB RAM 64 GB स्टोरेज मुझे यही लेना है, और कलर भी सिलेक्ट कर लूँगा, फिर बाय नाउ के बटन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो डिलीवरी एड्रेस आ जाएगा और नीचे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन होगा, प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक करूँगा सामने आ जाएंगे पेमेंट मेथड में। UPI के जरिए पेमेंट कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नो कॉस्ट EMI। फिर नीचे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो हमें EMI पर लेना है। प्लेस ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो है अगला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। आपको सिलेक्ट करना है आप EMI कौन सी लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अगर आपको डेबिट कार्ड EMI लेनी है सिंपल क्लिक करना है। और मैं आपको बताऊँ ज़्यादातर आपको यहाँ पर सिर्फ HDFC बैंक का ही क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, एक कोई आपको अलग बैंक का देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तब तो आप यहाँ से EMI डेबिट कार्ड पर भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वापस से बैक आ जाते हैं। अब मैं आपको जो है क्रेडिट कार्ड EMI के बारे में समझाता हूँ। सिंपल क्रेडिट कार्ड EMI पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको जो है सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए HDFC का ही मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो सिंपल आपको सिलेक्ट करना है। और इसी तरीके से डेबिट कार्ड वाले में भी आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि 3 महीने की है 6,000 कुछ रुपए, या 6 महीने की है 3200 रुपए कुछ, अगर 9 महीने की सिलेक्ट करते हैं 2200 रुपए कुछ की होगी, अगर 1 साल की सिलेक्ट करते हैं 1700 रुपए कुछ होगी, 18 महीने की सिलेक्ट करते हैं 1100 रुपए कुछ, और 24 महीने की यहाँ 925 रुपए यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और सब पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। नीचे देख सकते हैं सिर्फ 3 महीने वाली आपको नो कॉस्ट EMI देखने को मिलेगी। तो कोई सी भी यहाँ पर आप जैसे EMI सिलेक्ट करेंगे 199 रुपीज प्रोसेसिंग फीस लगेगी वन टाइम, और GST चार्ज भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट EMI पर प्लान पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो है अपने कार्ड की पूरी डिटेल डालनी होती है और आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैशिफाई से आईफोन एक्स को, एक रिफर्बिश आईफोन एक्स को खरीद सकते हैं EMI पर भी। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।